क्या गाजा के अल अहली अस्पताल में हमले के पीछे इजराइल का हाथ है? क्या इजराइल ने अस्पताल में सैकड़ों लोगों का नरसंहार किया है? ये सवाल इस वक्त दुनिया के कई मुल्क उठा रहे हैं, क्योंकि गाजा के अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई है वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। दरअसल ये वही अस्पताल है जिसकी तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, जहां पर कई सारे लोगों ने शरण ली हुई है युद्ध की वजह से। वहां पर निहत्ते लोग मारे गए, लोगों के अपने सपने सब कुछ चले गए, चीख पुकार मच गई। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो रूह कपाने वाली है। और इस बीच हमास ने बड़ा हमला बोला है, कहा है कि इजराइल ने ही हमला किया है, ऐसे में वो इजराइल से इस बात का बदला लेंगे। दूसरी तरफ कई अरब देशों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन इजराइल की सेना ने इस बात से साफ इनकार किया है। इजराइल ने कहा कि ये हमला तो गाजा में ही हुआ है, दरअसल हमास की तरफ से मिसफायर हुआ है, यानी कि गाजा से हमास रॉकेट दागता है इजराइल की तरफ और मिसफायर की वजह से यहां पर सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। जो आंकड़ा अभी तक सामने आया है वो 500 के पार है, लेकिन ये और बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात करें, जो इजराइल पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी इस हमले की निंदा की है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान ने कहा है कि अगर ऐसा है तो इजराइल सबूत पेश करे, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि यह हमला उसने नहीं किया है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि जिस अस्पताल में यह हमला हुआ है यह आपका उत्तरी गाजा में है, और इजराइल लगातार वहां पर लोगों से अपील कर रहा है कि वो दक्षिणी गाजा में चले जाएं। गाजा जहां पर घनी आबादी है, 25 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पर लोगों के लिए बिजली का संकट है, खाने पीने का संकट है, कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ा अभी तक जो सामने आ रहा है वो कम है, वो बढ़ भी सकता है, यानी कि 3000 से ज्यादा लोग जो घायल हैं उनके जीवन पर भी संकट है। अस्पताल में जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, किस तरीके से सब कुछ जल चुका है, लोग भाग रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। ऐसे में WHO की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है और कहा है कि वो इस हमले की निंदा करते हैं, क्योंकि जो आम नागरिक है उनकी जान जा रही है। जो लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे वो बेमौत मारे गए, और ऐसे में अस्पताल पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इजराइल लगातार कह रहा है कि वो इसकी सबूत भी पेश करेगा, और ऐसा हुआ है कि ये तो हमास की तरफ से हुआ है, यानी कि ये एक और जंग है। जो 7 अक्टूबर को हुआ वो दुनिया में एक काला अध्याय था जो हमास ने इजराइल पर वार किया। ऐसे जख्म इजराइल को दिए हैं हमास ने जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और इजराइल जो इस वक्त अब पलटवार कर रहा है उसको भी पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में क्या इजराइल ने यह हमला किया है, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा।